अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब ठीक होंगे। टुडेज आवर टॉपिक इज इनपुट डिवाइसेस, चैप्टर नंबर टू इनपुट डिवाइसेस। इन दिस चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड द टॉपिक्स कीबोर्ड, व्हाट आर पॉइंटिंग डिवाइसेस, व्हाट आर साइजिंग एंड स्कैनिंग डिवाइसेस, character and mark recognition devices, image capturing devices, audio based input systems and sensors. These all things we can understand in this chapter of two input devices. In this chapter, a computer is a data processing system. Computer kya hai? Ek data processing system hai that converts input into output. यानी हमें डाटा को क्या करते हैं, हम कन्वर्ट करते हैं और हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, वो हमारी क्या होती है, इंफॉर्मेशन या फिर आउटपुट। अ कंप्यूटर मस्ट बी एबल टू एक्सेप्ट डाटा। कंप्यूटर क्या है, तब तक एक्सेप्ट करता है डाटा को। इनपुट डिवाइसेस आर द हार्डवेयर। यानी अब हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस आर द हार्डवेयर डिवाइसेस यूज्ड टू सप्लाई डाटा टू द कंप्यूटर। वो डिवाइसेस हैं जिसके जरिए हम कंप्यूटर को डाटा सप्लाई करते हैं। The selections of devices depend on applications of which computer is being used. Selection of devices क्या है, depend करती है applications पे, which the computer is being used, कि कौन सी कैसे use हो रहा है। The first topic is keyboard. As you all of know, keyboard is an input device. Keyboard is an input device. और keyboard के अंदर there are many keys in the keyboard. One is numeric, second is alphabetic keys, third is function keys, fourth is special keys and many more. The keyboard is the most common and the most important input device. Entering data using a keyboard is called manual data entry. A keyboard manually has 104 keys. एक कीबोर्ड के अंदर कितने कीज होती हैं हमारे पास, 104 कीज। अल्फाबेटिक कीज आर यूज टू एंटर डाटा, अल्फाबेटिक डाटा। अ न्यूमेरिक की इज यूज टू एंटर न्यूमेरिक डाटा, न्यूमेरिक डाटा मीन 0, 1, 2, 3, 4। स्पेशल कीज गिवन इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। स्पेशल कीज किसके लिए यूज होती है, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए कंप्यूटर को। फोल्डिंग कीबोर्ड्स यूज लेस स्पेस। द कीबोर्ड्स ऑन द ब्रेल कीबोर्ड्स आर इम्पोज्ड बाय ब्रेल करेक्टर्स हेल्प विजुअली इम्पेयर्ड पीपल। यानी जो लोग यानी कि यूज नहीं कर सकते, प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकते, इम्पेयर्ड पीपल, तो वो लोग कौन सा कीबोर्ड यूज करते हैं, ब्रेल कीबोर्ड। कौन सा कीबोर्ड यूज करते हैं, ब्रेल कीबोर्ड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, व्हाट आर पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस हैं जिनके जरिए हम डाटा एंटर करते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक माउस इज यूज एट ऑब्जेक्ट ऑन द गिवन कमांड्स। अ मैकेनिकल माउस हैज टू और थ्री बटन्स टू स्क्रॉल व्हील्स ऑन टॉप। इट हैज स्मॉल अंडरनीथ एंड अटैच कोड ऑफ द सिस्टम यूनिट। यानी किसके साथ कनेक्ट होता है, सिस्टम यूनिट के साथ होता है। यानी इसके साथ आप डायरेक्टली वायर कोई भी अटैच नहीं करते, इसका सारा सिग्नल्स वगैरह किसके साथ कनेक्ट होते हैं, सिस्टम यूनिट के साथ। एज इट मूव अक्रॉस द स्मूथ सर्फेस द बॉल रोटेट ऑन द मूव टू द पॉइंटर। बॉल क्या होता है, रोटेट करते हैं एंड मूव इट्स पॉइंटर। प्रेसिंग द बटन सेलेक्ट एन आइकन और टैब। ऑप्टिकल माउस हैज रोटेटिंग बॉल्स एंड कैन बी यूज टू द फ्लैट सर्फेस। एक फ्लैट सर्फेस पे यूज होता है, यानी आप उसको बिल्कुल प्लेन सर्फेस पे यूज कर सकते हैं। इट पुट्स लेस प्रेशर ऑन द पाम एंड इट मोर प्रिसाइज इन द पोजीशनिंग टू द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। अ कॉर्डलेस माउस डज नॉट नीड अ कॉर्ड। इट इमिट्स वायरलेस सिग्नल्स टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। दिस सिग्नल्स ट्रैवल टू द कंप्यूटर थ्रू द एयर्स। उसके बाद हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइसेस में जो हमारे पास टाइप्स आती है, वन इज टच पैड, सेकेंड इज टच स्क्रीन, थर्ड इज लाइट पेन। टच पैड, टच स्क्रीन एंड लाइट पेन। व्हाट इज टच पैड, आप सब लोग घरों में यूज करते हैं। अ टच पैड इज अ स्मॉल फ्लैट सरफेस विद अ बटन अराउंड द एजेस। मूविंग अ स्टाइलस और अ फिंगर अक्रॉस द पैड्स मूव द कर्सर। द बटन वर्क लाइक अ बटन, माउस बटन। यानी ये इस तरह वर्क करता है जैसे माउस का बटन वर्क कर रहा होता है। टच पैड्स आर मोस्टली यूज इन द लैपटॉप्स। ये ज्यादातर किसमें यूज होते हैं, लैपटॉप्स में। आप लैपटॉप्स यूज कर रहे होंगे अपने घरों में अभी भी, तो आप जब भी टच यूज करते हैं, सिस्टम यूज करते हैं, तो आप टच पैड यूज करते हैं। लाइक ये वर्क किसकी तरह करते हैं, माउस की तरह करते हैं, लेकिन ये किसमें ज्यादातर अवेलेबल होते हैं, लैपटॉप्स में। टच स्क्रीन
जैसे आपके पास टैबलेट्स हैं, अभी आप लोग लेक्चर्स ले रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स टैबलेट्स यूज कर रहे होंगे. The screen is used both an input device or output device. It consists of touch sensitive screen with the plastic or glass layers. User select and enter by touching points on the screen. जहां यूजर ने जिस चीज को भी क्लिक करना होता है वो उस चीज के लिए टच स्क्रीन पे क्लियर कर सकता है. उसके बाद है जॉयस्टिक. जॉयस्टिक कहां भी ज्यादा यूज होती है, आपकी गेमिंग पॉइंट्स में. इट कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल लीवर माउंटेड ऑन द बेस, मूविंग अ लीवर इन डिफरेंट डायरेक्शंस टू मूव द कर्सर. हम गेम्स के दौरान जब लेफ्ट राइट मूव कर रहे होते हैं तो हम लोग जॉयस्टिक के जरिए हम लोग उसको मूव कर सकते हैं. जॉयस्टिक्स आर यूज इन गेम्स, फ्लाइट सिमुलेशन प्रोग्राम्स एंड कंट्रोल रोबोट्स. हम लोग इसको यूज कर सकते हैं गेम्स में, फ्लाइट सिमुलेशन प्रोग्राम्स में, एंड कंट्रोल कर सकते हैं रोबोट्स को कि उन्होंने लेफ्ट मूव करना है. बिकॉज रोबोट्स तो हम इंसान ने ही बनाए हैं ना, तो उनमें यानी कि जो खुद से कोई एबिलिटी तो नहीं होती ना कि वो सोच सके कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना. जैसे हम उनको इंस्ट्रक्शन देंगे वो वैसा ही टास्क को क्या करेंगे, डन करेंगे. उसके बाद है लाइट पेन. अ लाइट पेन लुक लाइक अ नॉर्मल पेन, एक सिंपल जैसे पेन होता है. दैट इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर. तो ये किसके साथ कनेक्ट होता है, कंप्यूटर के साथ. इट इज यूज्ड टू सेलेक्ट आइटम्स ऑन स्क्रीन, यानी ये सेलेक्ट करने के लिए स्क्रीन पे यूज होता है. इट कैन आल्सो बी मूव बाय ओवर अ हैंड एंड अ ड्रॉइंग ऑन द कंप्यूटर. अगर हम लोगों ने कोई भी ड्रॉइंग करनी है सो वी कैन यूज द लाइट पेन. नेक्स्ट हमारी टाइप है डिजिटाइजिंग एंड स्कैनिंग डिवाइसेस. व्हाट आर डिजिटाइजिंग एंड स्कैनिंग डिवाइसेस? आजकल वर्ड मैन्युअली प्रोड्यूस एरिया इन टू द डिजिटल फॉर्म विच कैन स्टोर एंड मैनिपुलेट इट ऑन द कंप्यूटर्स. इसमें सबसे पहले हमारी टाइप आती है ग्राफिक्स टैबलेट, ऑप्टिकल स्कैनर एंड कार रीडर. ग्राफिक्स टैबलेट जो आपके घरों में आप लोग यूज कर रहे हैं टैबलेट्स, और ऑप्टिकल स्कैनर जैसे आपके सामने पिक्चर शो हो रही है इससे हम लोग इमेजेस वगैरह जो भी हमारा डाटा है हम उसको पिक्चर्स को स्कैन कर सकते हैं. कार रीडर जिसके अंदर आप लोग डाटा को स्टोर कर सकते हैं. आपके घरों में होंगे मोबाइल फोन्स के जरिए आप लोग कार रीडर यूज करते हैं. द ग्राफिक टैबलेट इज बेस्ड ऑन द कवर विद द टच सेंसिटिव मेम्ब्रेन्स. अ स्टाइलस इज अ पॉइंटर वाइट वर्क माउस लाइक अ डिवाइस. The stylus and perk are used to draw directly on the tablets. Graphics tablets are used to make maps on the drawing. Graphic tablets हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, मैप्स वगैरह के लिए ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं. उसके बाद हमारे सेकेंड टाइप है ऑप्टिकल स्कैनर, पेज नंबर 17. ऑप्टिकल स्कैनर्स कन्वर्ट प्रिंटेड ऑन द हैंड रिटन टेक्स्ट, डायग्राम्स एंड फोटोग्राफ्स डिजिटल फॉर्म एंड ट्रांसफर देम डायरेक्टली टू द कंप्यूटर. कंप्यूटर में हम लोग डायरेक्टली इनको सेंड कर सकते हैं. दिस कैन बी डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर्स. आपकी मॉनिटर स्क्रीन पे शो होता है. प्रिंटेड सॉफ्ट फॉर लेटर यूज. उसके बाद है पोर्टेबल स्कैनर इज अ हैंड हेल्ड डिवाइस दैट इज यूज्ड टू ड्रैग केयरफुली ओवर द इमेज, स्कैन एंड कन्वर्ट इट टू डिजिटल फॉर्म. उसके बाद है फ्लैट पैक स्कैनर इज अ लार्ज, इट कंसिस्ट ऑफ ग्लास पैन एंड कवर. उसके बाद है कार रीडर. कार रीडर इज अ मैग्नेटिक स्ट्रिप ऑन द प्लास्टिक कार्ड. एक मैग्नेटिक स्ट्रिप है प्लास्टिक कार्ड की. जैसे आपके घरों में जब भी आप लोग मेमोरी कार्ड को यूज करते हैं तो आप कार रीडर में डाल देते हैं. दैट स्ट्रिप होल्ड इंफॉर्मेशन टू अलाउ कंप्यूटर टू आइडेंटिफाई द ओनर ऑफ द कार्ड. क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पर्सनल कार्ड, ट्रेवल टिकट्स इन मैग्नेटिक स्ट्रिप्स. A smart card has inbuilt microchip. It can store more than data. Magnetic strip. यानी आप इसके अंदर डाटा को स्टोर कर सकते हैं. इसमें क्या होता है, लेजर कार्ड्स कैन स्टोर 2 million कैरेक्टर्स. लेजर कार्ड्स क्या है, 2 million कैरेक्टर्स को अपने अंदर क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. उसके बाद एक क्विक रिस्पॉन्स यानी कोड रीडर. अक्सर आपके मोबाइल फोन में व्हाट्सएप में भी इस तरह की पिक्चर शो होती है, ठीक है. आप उसको किस तरह यूज कर सकते हैं, उसको कहते हैं QR यानी क्विक रिस्पॉन्स. QR, quick response, is a special type of barcodes. यानी QR means quick response is a type of barcode that can store more information on the ordinary barcodes. Instead of series of vertical lines, QR code consists of black dots placed within a square box. The QR codes can be read in any smartphone that has many applications installed. जब भी हम कोई भी applications install करते हैं तो वो हमसे पूछते हैं, फौरन हमसे कोई भी कोड मांगते हैं तो हम उसको क्विक रिस्पॉन्स देते हैं विद द हेल्प ऑफ बार कोड. ये एक ऑर्डिनरी बार कोड्स हैं. As you all know, bar codes are the black and white lines vertically on the that can be hide in the number of products. It is a series of black and white lines verifying the thickness.
enables central computer to identify a health barcode numbers, latest price stored on the computer. Barcodes identifies products in country of the origin, manufacturer, यानी जो चीज भी manufacturer हुई हुई है उसकी date लिखी होती है या उसकी amount लिखी होती है, helps to make sure that barcode is read correctly. Several POS terminals are connected to the central computers. Central computers के साथ क्या होते हैं? Connect होते हैं. Barcode reader is connected to the each POS terminal that scrolls the barcode there to send to the central computers. उसके बाद फिंगरप्रिंट रीडर, जैसे अक्सर स्कूल्स में अटेंडेंस मार्क होती है विद द हेल्प ऑफ फिंगरप्रिंट रीडर. ठीक है, आप बैंक में जाते हैं या कोई भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, आप उसको डन करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिंगरप्रिंट रीडर. फिंगरप्रिंट रीडर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द पीपल, यानी बताते हैं कि उनकी आइडेंटिटी क्या है. आइडेंटिफाई करते हैं, अ कंप्यूटर स्टोर द फिंगरप्रिंट्स ऑफ सेवरल पीपल्स व्हेन अ पर्सन प्लेस हर फिंगर ऑन द रीडर. जैसे ही एक पर्सन इस जैसी मशीन के ऊपर फिंगरप्रिंट करता है, इस मशीन के ऊपर फिंगरप्रिंट करता है, द फिंगरप्रिंट इज स्कैन एंड सेंड टू द कंप्यूटर. द कंप्यूटर चेक इफ द प्रिंट मैच एनी वन ऑफ दो स्टोर ऑन द कंप्यूटर. जिसका फिंगरप्रिंट मैच हो जाता है इस मशीन में तो वो उसको ओके कर देता है, अदरवाइज वो ऑप्शन आपको गिवन कर देता है. उसके बाद है करेक्टर एंड मार्क रिकग्निशन डिवाइसेस. आर डिवाइसेस दैट कैन रिकग्नाइज स्पेशल करेक्टर्स एंड मार्क. इसमें आता है MICR, OCR. MICR स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन. OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर. OCR ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन. MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन. MICR किसके लिए यूज होता है? हम लोग पिक्चर्स वगैरह को स्कैन कर सकते हैं. एन इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ दिस मैग्नेटिक इंक दैट इज नॉट इजीली स्पॉइल्ड, हेंस द चेंज आफ्टर बिकमिंग कैप्चर्ड ऑफ एवरी मोड. OMR इज कॉल्ड अ मार्क सेंसिंग डिवाइस. OMR इज कॉल्ड अ मार्क सेंसिंग डिवाइस. एंड OMR एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ अ मार्क सच एज अ पेंसिल मार्क. ऑप्टिकल मार्क इज यूज्ड टू मल्टीपल चॉइसेस टेस्ट और रीड लॉटरी टिकट्स. जैसे अक्सर आप लोगों के एग्जाम्स होते हैं वो बेस किसके ऊपर करता है? MCQs बेस पे डन बेस करता है. ठीक है, जो आपके वो MCQs बेस पे चेक होते हैं क्वेश्चंस, तो वो आपके किसके जरिए चेक होते हैं? OMR के जरिए, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन. उसके बाद है OCR. इट इज अ करेक्टर दैट रीड बाय द लाइट सोर्सेज एंड चेंज इन टू द कोड्स. यानी किसमें चेंज कर देता है? ये कोड्स में चेंज कर देता है. अ कॉमन OCR इज द हैंड हेल्ड वैन. OCR रीडर्स आर यूज्ड टू रीड यूटिलिटी बिल्स, प्राइस टैग्स एंड एयरलाइन टिकट्स में यूज होता है. उसके बाद इमेज कैप्चरिंग डिवाइस में आपका क्या टॉपिक्स आता है? डिजिटल कैमरा. डिजिटल कैमरा इज एन आउटपुट डिवाइस जिसके जरिए हम लोग पिक्चर्स वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं. वीडियो कैमरा जिसके जरिए हमारी वीडियो शो बन सकती है. एंड वेब कैम, जैसे आप लोग अभी ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट, तो वो वेब कैम के जरिए वीडियोज वगैरह भी शो हो रही है. और वो डैट सेटअप इन द फिक्स पोजिशन, इट्स फीड्स वीडियो एंड स्टिल पिक्चर ऑफ द वेबसाइट. उसके बाद है ऑडियो बेस्ड सिस्टम. सप्लाई ओरल डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर. इसमें आप अपनी आवाज को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं. वॉइस रिकग्निशन सिस्टम दैट इज यूज टू गिवन ओरल कमांड्स टू द कंप्यूटर. अक्सर आप लोग का दिल नहीं करता कि आप कुछ भी गूगल पे टाइप करें, तो आप क्या है वॉइस कमांड दे सकते हैं. सो यू कैन यूज द वॉइस रिकग्निशन सिस्टम. अ माइक्रोफोन इज यूज टू डिक्टेट टेक्स्ट टू गिवन कमांड्स. आप माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं और आप डिक्टेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो सेम एज इट इज वही कमांड्स क्या होंगे आपके गूगल अकाउंट पे क्या हो जाएंगे? राउटर राइट ऑफ हो जाएंगे. दीज सिस्टम आर यूज टू द सर्जन्स. ये ज्यादातर कौन यूज कर सकते हैं? सर्जन्स, पायलट्स एंड ड्राइवर्स हुज हैंड्स आर यूजुअली ऑक्युपाइड. उसके बाद है MIDI, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस दैट कनेक्ट टू द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टू द कंप्यूटर. म्यूजिकल डिस्प्ले इज एन इनपुट डायरेक्टली टू द कंप्यूटर स्टोर डिजिटली. कीबोर्ड्स आर कॉमन MIDI इंस्ट्रूमेंट्स. उसके बाद है सेंसर. जब भी आप लोग किसी माल में जाते हैं या आप चेक करते हैं, सेंसर मेजर चेंज इन द टेम्परेचर, प्रेशर, लाइट एंड सेंड देम इनटू द कंप्यूटर. यानी क्या मेजर करते हैं? प्रेशर, लाइट, सेंड देम टू द कंप्यूटर. द कंप्यूटर एनालाइज द रीडिंग. इफ दे एक्सेक्ट अ नॉर्मल रेंज द कंप्यूटर सेंड सिग्नल टू ऑपरेट डिवाइस सच एज हीटर एंड अलार्म. जैसे आपके सामने एक पिक्चर में शो किया एक पर्सन, यानी कि अ सेंसर ऑन एन ऑटोमोबाइल स्लाइडिंग डोर. देखिये आपकी इस बुक में शो हो रहा है कि एक पर्सन जैसे देखें जा रहे हैं इस रूम के अंदर,
ठीक है, और किस तरह अपने आप ही सेंसिंग डिवाइस, या वो कोई प्रेशर हो सकता है या फिर वो कोई लाइट हो सकती है सेंसर डिवाइस के जरिए, तो उसको आइडिया होगा, उसे खुद से पुश नहीं करना पड़ेगा डोर को ओपन करने के लिए। तो सेंसिंग डिवाइस लगी हुई होगी, जस्ट वो डन करेगा, जस्ट अभी मूव करेगा तो फौरन क्या कहते हैं लाइट भी हो सकती है, सिग्नल भी हो सकते हैं, और या फिर कोई भी प्रेशर भी हो सकता है। RFID frequency identification is used to track objects of the tags attached to them. These tags are just contain store information that can read from the distance using wireless technology. So in this chapter, first of all, in this chapter, the topic is input devices. We can understand the keyboard, pointing devices. Pointing devices कौन सी होती हैं? Keyboard, mouse. डिजिटल स्कैनिंग डिवाइस में आता है OCR, MCR, MICR, OMR, करेक्टर मार्क रिकॉग्निशन डिवाइसेस, इमेज कैप्चरिंग डिवाइसेस, ऑडियो बेस्ड इनपुट सिस्टम जिसमें आपका आता है वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम, सेंसर, जैसे आपके सामने में शो है कि किस तरह एक पर्सन एंटर जाने के लिए खड़ा हुआ है और उसने किस तरह मूव करना है, वो कोई भी हो सकता है, लाइट भी हो सकती है, प्रेशर भी हो सकता है, तो जिसके जरिए या कोई अलार्म हो सकता है, वो जस्ट मूव करेगा और अंदर चला जाएगा। सो इन दिस चैप्टर दिस थिंग वी कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ इनपुट डिवाइसेस। योर होमवर्क इज लर्न प्लस राइट वर्क पेज प्लस क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 2। ऑल द नोट्स वी विल सेंड टू द थ्रू वर्ड्स ऐप। लर्न प्लस राइट वर्क पेज प्लस क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 2। लर्न प्लस राइट वर्क पेज प्लस क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 2। वर्क पेज आपने बुक पे सॉल्व करना है और क्वेश्चन आंसर जो से हैं वो आपने नोटबुक पे सॉल्व करने हैं। डी पार्ट भी करना है आपने उसका, ई पार्ट भी डन करना है, ठीक है। इज देयर एनी क्वेश्चन अबाउट अ रेलेवेंट टॉपिक? ओके, टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।